पहला के पहलवान थे वे कौन से सप्लीमेंट खाया रहते। राम राम भाई सारे ने। तो भाई चाल पड़े अपना ट्रेनिंग पे, एक वो गाड़ी में तेल गलवान लाग रहे हैं और फिर चाल पड़े अपना गुड़गांव में और थोड़ा सा बढ़िया भी लाग गए हैं अपना। एक और वो हो रहा है कि कह रहे ने एम आप आ रहा है भाई अच्छी सीखनी है, अभी सीखनी है और क्यों सीखनी है वो मैं अपना बाग बजा के बताऊंगा और दो तीन चीज़ और बताऊंगा। एक बार चाल ले कल हो रहा है आज भाई निर्जला वो है कि यार उसने एकादशी था इसके मारे जगह जगह पानी बाटल ना करे हैं। करीब हम गुड़गांव में पहुंच लिए हैं, जाकर अपनी ट्रेनिंग करेंगे। तो भाई ट्रेनिंग करके आ लिया हूँ, कंप्लीट हो गया, बढ़िया हुई आज भी। और ये अपना जूस बनने ला रहा है मौसमी का जूस पियोंगे ट्रेनिंग के बाद। भाई जूस पीना बढ़िया हुआ है, जिक्र पहला पहलवान निकल रहे थे भाई, जब बंदा लगा तब तो प्रोटीन ना था और जब तक नुए कह रहे थे भाई जूस पी लिया दूध पी लिया। ये थोड़ा सा नुए जरा भाई ना था, मैं कुंडी लिया कहा सब तक मैं बदाम रगड़न ला गया। फिलहाल जरा शिफ्ट हो गया बाद हम प्रोपर उससे शेड्यूल पा जाएंगे। तब अपना जो कुछ हाथ प्रोटीन भी ना लेकर आया मैं, तब मैं जूस से पीऊँ भाई। अपना मौसमी का जूस आ गया भाई और ये आम के साइड इफेक्ट देख लो, तो भाई सोनीपत है पहुँच लिए हैं। अरे पे एक बस जानना करी है, हरिद्वार हम तो नहीं जाते हैं क्योंकि निर्जला एकादशी है। तो मैया और हमारी काकी ताई जो भी है गांव की वे सारी गंगा नहान जा है हरिद्वार, उनकी बस लेकर जालना करे हैं करा फिर उन बैठा गए आराम अपनी फिर सांझ के वर्कआउट की तैयारी करेंगे। भाई घर पहुंच गए हैं और आज मैं ट्रेनिंग करूँ था जब मेरे मुंह में बाल बढ़ने आ रहे थे, तो एक बात आई मेरे दिमाग में जो भी चीज़ ट्रेनिंग के बीच में होगी उन्हें कटवा दूंगा, तो ये डाडी मुँह छन साफ करवा दूंगा। सपाटे मार दे या डीजे पे भी मारा है और तो और छोड़ गाने पास मारे ही ना मारे वीडियो बना दिखा दे ले भाई ले बस 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 थक जाएगी ये बॉडी दिखा दे कब्जा दिखा दे यस। वो भंडारे से चून छाण लाग रहे हैं पूरी फुल तैयारी चल रही है। दे भाई करवा दिया काम
ये भाई बस भी आ गई है भाई। सारा सामान धरवा दे गाड़ी में, ये आधा दाड़ दे रहा है, आधा उड़ी तो करवाना पड़ेगा। आगे सारा सामान लोड कर दिया भाई इसने, सारे सैनानी तैयार हो रहे हैं। डालिए बैठते हैं गणा, फिर चलो सामान तरवाऊंगा। तो भाई घर क्या ने बैठा गए, बस में नाद होगा, हम पहुंच गए ग्राउंड पे। बढ़िया भाई, ठीक है। रिबोक एक साइड में दे रही है, रिबोक वाली एक साइड में दे रही है। पानी दूं ना ले वो कर देंगे वो क्यों दस किलो वजन तोड़ना पड़ेगा, दस दस किलोमीटर मारूंगा तो मेरे हिसाब से कितना टूट जाएगा। बड़ा पाव घट के पिछली बार की तरह बढ़ जाएगा। अब बेटी तो भाई पानी पानी कट यार ना, बेटी के भीतर का पानी कट गई, पेट के भीतर का पानी नहीं। बदमाशी बात मत करो भाई, मैं डर लग गए। फिल्टर गोली मार दे, फिल्टर पार दे ना भाई। ना 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 बदमाशी बात मत करो भाई, गोली मार दे फिल्टर पार दे। तो वो भी शरीफ काम कहूं भैया वर्गा मारे काम क्या है, गणे थोड़ा ना कर रहे। ना और भी चला रहे सही भाई पियो गया हम अपना प्रोटीन मसल ब्लेज का आईसो जीरो जो मैं यूज करूं हूं। सही मैं अपना थोड़ी सी है प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन इंडस्ट्री है जो उसके बारे में कड़ा सच बताऊंगा भाई के बहुत सारी ब्रांड है इसी FSI सर्टिफिकेट ले रहे जो फूड सप्लाई का यार है सर्टिफिकेट है वो तो ले रहे हैं, पर वे उनकी रूल रेगुलेशन कभी भी फॉलो नहीं करती प्रॉपर। उसमें जो ये प्रोटीन कंटेंट लिखा है कि इसमें इतना प्रोटीन है, बहुत सारी कंपनी इसी है मोस्ट ऑफ पे पाऊंगी इंडिया में जिनमें वो प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं पाता। अरे टेस्ट कोई करवा नहीं सकता भाई, हर आदमी उस टेस्ट ना करवा सकता क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा हुआ है। जो अमीनो स्पाइक का और प्रोटीन का टेस्ट हो रहा है और अमीनो स्पाइक की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई इन प्रोटीन बहुत सारे प्रोटीन में, और ना प्रोटीन कंपनी कदे भी मतलब एक बार उसने टेस्ट करके उस सर्टिफिकेशन ने लगा दी कि भाई हमने टेस्ट करवाया अपना प्रोटीन नहीं हमारा सर्टिफिकेट, रेगुलर उसके टेस्ट नहीं होते। इसे प्रोटीन और इसी टेस्टिंग कंपनी आप विश्वास के ऊपर करें तो हमेशा भाई थर्ड पार्टी जो टेस्टिंग कंपनी हो रहा जो करे क्या है US बेस्ड है इनफॉर्म्ड प्रोटीन जो हर महीने है ना मार्केट तक मतलब अपने आप उठा गए मतलब बताऊं जो कर उसने जिस टाइम मन करे उसका उस टाइम उठागा हर महीने हर प्रोटीन ने वो लैब टेस्ट कराया करे इनफॉर्म प्रोटीन नाम था सर्च करके देख सको। तो उस लैब टेस्ट में भाई एशिया में पहला प्रोटीन है मसल ब्लेज बायोजाइम वे जो मतलब प्रॉपर उसके सारी चीज पूरी पाई जो इसमें लिखा पा हुआ है प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर पाई हर महीने चेक हुआ अगर वो तो चॉइस भाई आपकी आपने के खाना के पीना है तो ओरिजिनल नहीं होगा तो भाई बढ़िया रहोगा। और मैं तो भाई इसे हमारे मसल विलेज पे भरोसा कर रहा हूँ और आपने भी लेना है तो आप मसल विलेज की ऑफिशियल वेबसाइट या भाई ऐप पर जाकर ले इसको, कोड आपने मेरा होगा अंकित ऐप भी। और भाई भरोसे वाली चीज़ है अपनी इंडियन ब्रांड है और मेरे हिसाब से इसने शायद 11-12 साल हो लिए 10-11 साल तक दाम हो लिए और इबती चार वैसे तो बड़ा ब्रांड है इंडिया का और सब तो ज़्यादा टेस्टेड ब्रांड है। इस तो ज़्यादा टेस्ट किसी भी ब्रांड के नहीं हो रही, अगर आप कोई भी टेस्ट करवा लो भाई किसी भी टाइम करवा सको आप प्रॉपर
बात होगी लुपा हो गया अपने आपको मार्केट में उठाकर प्रोटीन सीधा ट्रैक करवा लो। दूसरे यूट्यूब पर आप भरोसा करनी तो ना खुद करवा कर देख लो, अगर किसी ने नूला का भाई या चीज ना है तो खुद करवा कर देख लो। इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा देसी डाइट ओवरसीज सप्लीमेंट, ठीक है। बाकी जो कौन की कह रहा है जो हमारा मेन मोटिव रहा इसमें बताने जा रहा होगा सप्लीमेंट के यूज के, वो सब नवे आज की तारीख में इसमें हम पुराने टाइम तक कंपेयर कर रहे हैं तो उस चीज के ऊपर बात करेंगे। प्रोटीन पी लो, तो भाई पहला आप अपने पाब्लो एस्कोबार ने देख लियो और भाई यो पुतिन भाई सब लंगोटी ओढ़ रहा है। तो ये बात करेंगे भाई, देख जो एक चीज है ना सबसे पहली चीज तो प्रोटीन का डाइट का कंपैरिजन करना है गलत होगा। फिर एक दूसरा सवाल आया कि भाई पहला ये पहलवान थे वे कौन से सप्लीमेंट खाया रहते ना खाया रहते भाई, वे कती भी ना खाया रहते। पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो रखूंगा भाई मैं वो पहला रखूंगा वेजिटेरियन का। पहला जो पहलवान थे अब गामा पहलवान देख लो, गामा के तो भाई चलो ठीक है उनका तो मुकाबला एक बनया, वो तो 5-4 किलो बकरा गड़ंगा बहुत चीज खा रहे थे। दारा सिंह ने देख लो भाई, दारा सिंह भी प्योर वेजिटेरियन ना थे, एक बार जाकर चेक कर सको हो। तक ये खाली जीभ के स्वाद ही थोड़ी खावा थे भाई, न्यूट्रिशन वैल्यू थी खावा थे इन चीज़ों ने। अजीब ये स्वाद थी, पेट बनती थी, रोटी बहुत थी, रोटी दूध की उन तक ना बाजी तान उनकी, उनने भी खाया ना। हम वो चीज़ नहीं खाते ना, हम उस चीज़ में सपोर्ट करते भाई, जो खावे सब की अपनी मर्जी है भाई। हम तुम ये कहूँगे मत खाओ भाई, बीमारी का घर है, नेगेटिव एनर्जी इसमें। ई बाहूँगे बात हम भाई कि भाई उस टाइम ने इस टाइम तक कंपेयर करना कि ठीक है भाई, कती भी ठीक नहीं है। उस टाइम इतनी प्योरिटी थी चीज़ा में, चीज़ा में नहीं आदमियों भी बहुत ज़्यादा प्योरिटी थी जो आज की तारीख में ना है। क्योंकि उस टाइम पर भाई यूरिया खाद कितना यूज़ होया करता मेरे हिसाब से, होया ना करता। पर आज की तारीख में आपने खुद भी बेरा इस चीज़ का कितना यूज़ हो गया है। ये इतनी नहीं नहीं बीमारियाँ लग रही भाई, ये कितना लग रही है, ये नुआन लग रही है भाई। क्योंकि हर चीज़ में ये आप देखोगे ये चाइनीज टमाटर आ गए नुआ गया, क्योंकि ऑर्गेनिक भाई ना तो कोई उगा सकता। ऑर्गेनिक अगर किसान उगाने की कोशिश करेगा तो भाई भूखा मरने वाला काम हो जाएगा भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती है ना बहुत आज की तारीख में मुश्किल है। पर एक मेरे हिसाब से जैविक खेती ये भी आजकल थोड़ी सी ट्रेंड में आ रही है, बहुत सारे बात भी चल रही इसके बारे में कि वो इसी है वो फुलफिल भी कर सके है जो किसान की डिमांड हुआ है खेत है, और उसमें मतलब ऑर्गेनिक हुआ हुआ। तो मैं भाई अपील करूँगा भाई जैविक खेती करना चाहो, और भाई पुराने टाइम ने इस टाइम तक कंपेयर करना भाई सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उस टाइम की न्यूट्रिशन वैल्यू अलग है, उस टाइम की के नाम लिया कर रही हो नहीं, उस टाइम के आदमी भी देखे ना आपने कितने कितने साल जीवे, आज जाले आदमी देखे कितने साल जीवे हैं। और एक फिर बात आया करा कि भाई ये अंग्रेजी सौदा ये वो है, पहली बात तो मसला ब्लेज जो मैं करूँ भाई मैं अपनी बता सकूँ मैं जो करूँ, मसला ब्लेज इंडियन कंपनी है। दूसरी चीज़ अंग्रेजी सौदा का है भाई, ठीक है हमने अपने की दूध पर बहुत प्राउड है इस बात ने मैं मानूँ, पर भाई सच्चाई बताऊँ एक एथलीट के नज़रिए तो मैं सच्चाई बताऊँगा। और वाह आप एक्सेप्ट करो तो आपकी अच्छी बात है भाई, ना करो तो मैं उस चीज़ पर भी कुछ नहीं कह सकता। फॉरनर कितना घी खाऊँ भाई, कितना दूध पीऊँ है, ना पीते ना खाते हुए इवन कह देंगे बुढ़ापा बहुत गंदा हो रहा है। मारे तो मेरे शब्द 10-12-20% ज़्यादा जीवे हैं वे, उनकी एज भी 70-80 साल की बुढ़िया हुए जो उनकी वे भी वर्कआउट करे जिम में भाई वेट लिफ्टिंग करे हैं। अब मारे बुढ़ा की हाल हो जाए इस उम्र थी सब ने बेरा इस चीज़ का, ठीक है। तो समझने की बात है भाई भी इस चीज़ पर भी कोई हजत लगा लेगा, अच्छा तू वे उनकी अंग्रेजा ही बड़ाई करना, बड़ाई ना करता जो बात साथ सवा बताऊं भाई। अपने जो प्लेयर हैं वे भी खुद बाहर ट्रेनिंग करने जा है, क्यों जा भाई खुद बताओ, क्यों लग गए ओलंपिक तक पहला कैंप, क्यों लग गए एशियन गेम तक पहला कैंप बाहर देशों में, गरियाड़े सब कुछ अपने द्वारा सारी सुख सुविधा बढ़िया जो एनवायरमेंट है तो हम यड़े क्यों ना करते ट्रेनिंग। तो ये चीज़ समझने की है भाई कि एक एथलीट थी एथलीट की रिक्वायरमेंट अलग हुआ करना तो भाई काम तो एक मजदूर है भाई। और जिस टाइम पर ना हो रहा था कुछ भी भाई उस टाइम पर मैं भी करूँ था रोटी रोटियाँ मैंने दूध मिल गया दूध पी लिया, शीत मिल गया शीत पी लिया। और दूध शीत आज भी तो नहीं खावा पिए भाई उतना ही घी खावे हैं, पर मन ने जो बेरा है क्योंकि भाई मन ने गणे साल मैंने कभी सुखी दे ही तोड़ दी, घनी सुखी दे ही तोड़ दी नू मान ले दूध भी इतना गा दूध दे हुआ था दूध पी लिया, गा ना दूध दे रही फिर दूध भी छुट जा रहा था, रोटी रोटियाँ में जो शीत मिल गया पी लिया बस इतना ही था। तो मन ने मेरा न्यूट्रिशन की भाई डेफिशिएंसी तो की हो सकता आप भाई या चीज़ तो गूगल पर लिख के भी देख सको कि भाई इंडिया में कितने
कितने लोगों की डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो आपने खुद भी पढ़ जाएगा। बाकी भाई सब ये अपने अपने थॉट है, अगर आप डाइट तो पूरा कर पाओ तो वेल इनफ है भाई, इंग्लिश बोल दिया तारे भाई ने, ठीक है सीख लग रहा है। तो वो है, अगर आप डाइट तो पूरा कर सको तो बहुत अच्छी बात है भाई, मन नहीं चला कि मैं नहीं कर पाता भाई। तो भाई 10 किलोमीटर तीन तीन टाइम भाई, एक बात बताऊँ आपने, आप डंड सपाटे कुछ भी मार लो, पर जो बॉक्सिंग में और जो मतलब रेसलिंग जोर हो अगर जो टेक्निकल के इनमें जो आंगा लागर जो एनर्जी लग है ना वह ज़्यादा लागा भाई। एक नॉर्मल एक वेट लिफ्टिंग या वर्कआउट तो वर्कआउट तो नॉर्मल डाइट भी हो जाएगा, पर जित बात परफॉर्मेंस किया होगी उड़ा आपने न्यूट्रिशन अलग चाहिएगा और लोग आता अटके जिसी आपकी डाइट उसी परफॉर्मेंस वो कह रहे हैं डाइट गला फाइट है। तो यह छोटी सी बात थी भाई समझाने की, बाकी आपकी मर्जी है भाई आपने जो करना है, मैं तो बस समझा सकूँ भाई इन चीज़ों ने। मेरे पे सीधा आग मिच के विश्वास मत करिए, अपना भी दिमाग चलाइए कि मैं सर्च करिए, क्योंकि भाई हमारे बड्डे बुड्ढे आज भी उन्हें बात था भाई, क्योंकि उन्हें बेरा उस चीज़ में किए थी, पर भाई ना रही वे चीज़ भी उसी बताना रजब आदमी है भी ना रहे। और दूसरी बात भाई हर आदमी दौड़ता है, एक्सेस है नहीं दूध का ना घी का, एक्सेस किस दौरा भी कोने सब दौरा। तो भाई गामा में ना पूरा गामा में दूध भी थैली भी करना की भाई, तो बस मेरा समझाना मतलब ये होता भाई ना, तो मैं किसी ने नूंगा तो भाई प्रोटीन खाओ, ना मैं किसी ने नूंगा तो भाई तो मैं घी खरीदे खाओ भाई, जिसका जुकर बजट है जिसका जुकर अलो कर रहे हैं और जिसने जिसी परफॉर्मेंस ये डालता खाओ भाई। घी बहुत अच्छा है अगर आपने ओरिजिनल मिल लेते हैं, हर बंदे ने 2-3 चम्मच तक खानी चाहिए दिन में, चाहे वो कम वर्कआउट भी करता हो तो घी तो जरूरी है भाई। पर फिर भाई बात है 600 रुपये वाला खाओगे तो भाई वो तो कैलोस्ट्रोल बना हुआ है ना, अगर प्योर चीज़ खाओगे तो बढ़िया। लेट बाज की भाई, तो बस इतनी है थी भाई बात, लेट तो बाज की है, बाकी हम नहीं रुकेंगे। और भाई फिर जाते जाते एक बात कहूँगे, दिखू ने दाद दाद देख लो, फिर जाते जाते एक के बात कहूँगे भाई, बोले बाबा जी सा किसी में दम नहीं, देसी किसी तक कम नहीं, बोल शंकर भगवान की जय।